अभी जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड ये आपका चैप्टर है बिजनेस एनवायरमेंट का। आपको मैं दो सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, एक का आपका लॉ का सब्जेक्ट है और दूसरा आपका एनवायरमेंट है। एनवायरमेंट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स और उसके साथ में बिजनेस एनवायरमेंट है। बिजनेस एनवायरमेंट इज टेकिंग बाय मी एंड उसका हम एक चैप्टर पढ़ेंगे आज, की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। बड़े ध्यान से और प्यार से हम इसे समझना है और क्लास में इटसेल्फ इसे लर्न कर लेना है, यही याद करके जाना है। अब हम सबसे पहले एक शब्द की शुरुआत करते हैं। प्लीज बच्चों बातें नहीं करो, हेलो दीदी नो प्लीज। की मीन्स क्या होता है, की बात करेंगे। व्हाट यू मीन बाय द की का मतलब होता है चाबी, की का मतलब होता है चाबी। उसके बाद अगला शब्द आया गवर्नमेंट और तीसरा शब्द आया इंस्टीट्यूशंस, की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। अगर आप देखो इंस्टीट्यूशन नहीं है, इंस्टीट्यूशंस है। क्या बोला मैंने, इंस्टीट्यूशन नहीं है, इंस्टीट्यूशंस है, की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, राइट। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इंस्टीट्यूशंस जब यूज किया तो आपने छोटे छोटे क्लास में कुछ शब्द पढ़े होंगे, एक होता है एकवचन और एक होता है बहुवचन। सो इट इज एकवचन और बहुवचन। तो कई सारे इंस्टीट्यूशंस है जो सरकार की मदद करेंगी, उन्होंने अपनी संस्थाएं बना रखी है जो सरकार की मदद करेंगी। अब वो क्या क्या संस्थाएं, हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आपने पहले भी शायद सुना होगा या सुना सुने नीति आयोग, क्लास ट्वेल्थ में आप जरूर पढ़ा होगा आपने, नीति आयोग के बारे में आपको पढ़ाया गया होगा। अच्छा, हमारे सिलेबस में जब मैं पढ़ती थी क्लास ट्वेल्थ में तब नीति आयोग नहीं पढ़ाया जाता था, बताइए क्यों, ऐसी क्या वजह थी कि उस टाइम पे नीति आयोग नहीं पढ़ाया, क्योंकि उस समय आया ही नहीं था, ठीक है। इसीलिए तो अब नई चीज, जब कॉन्सेप्ट नए आते हैं तो नई चीजें पढ़नी भी पड़ती है। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, जैसे कि अगले इंस्टीट्यूशन की हम बात करेंगे, एमसीए। एमसीए से आपका एकदम पक्का रिलेशनशिप बनने वाला है, डायरेक्ट रिश्ता, खास रिश्तेदारी होने वाली है एमसीए से। क्योंकि एज ए कंपनी सेक्रेटरी व्हेन यू क्वालिफाई द सीएस एंड यू अपॉइंटिंग सीएस इन अ कंपनी, देन एवरी डे यू विजिट द साइट ऑफ एमसीए, एवरी डे यू विजिट द साइट ऑफ एमसीए। आपके पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमारी सारी अपलोडिंग सब काम एमसीए की साइट से ही होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, अवर सेंट्रल गवर्नमेंट डेलीगेटेड देयर पावर टू वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड वन ऑफ द मिनिस्ट्रीज द एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ऑल द कॉर्पोरेट अफेयर्स आर मैनेजिंग बाय द एमसीए। क्लियर यू ऑल, क्लियर। तो एमसीए से तो हमारा डायरेक्ट कनेक्शन रहेगा, सारी चीजें हम एमसीए के साइट से करेंगे। जब मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी तो साइट पे विजिट भी कराऊंगी और दिखाऊंगी देखने में कितनी खूबसूरत और कितनी सुंदर है। चाय पर चर्चा मोदी जी के साथ, और एक बार बोल दीजिए हर 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 मोदी और घर घर। अब की बार क्या बात है, बहुत अच्छे, अब की बार मोदी सरकार बहुत बढ़िया। बच्चों आगे चलते हुए अब हम पढ़ेंगे बच्चों सेबी। इसी तरीके से एक इंस्टीट्यूशन आपको नजर आएगी, एक कॉन्सेप्ट नजर आएगा सेबी के नाम से। सेबी मतलब सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आज से पहले आपने क्या पढ़ा है मैं आपको बता देती हूँ। आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में सेबी इज अ वॉचडॉग ऑफ इन्वेस्टर, ये शब्द आपने सुना होगा और बस यही सुना होगा, इसके अलावा आपने कुछ नहीं सुना। इसके लिए मैं आपको सुनाऊंगी, वॉचडॉग मतलब वॉच करने वाला डॉग है। ओ माई गॉड, किसको वॉच करता है, कैसे वॉच करता है, तमाम चीजें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे बच्चों एनसीएलटी, आरबीआई, एनसीएलएटी, ये सारे कॉन्सेप्ट हमें आज की क्लास में पढ़ने हैं। और हम स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे, क्योंकि अब जिस प्रोफेशन में आप जा रहे हो इस प्रोफेशन को पढ़ना नहीं होता, इस प्रोफेशन को जीना होता है। इस प्रोफेशन को सिर्फ पढ़ना नहीं है, इस प्रोफेशन को आपको जीना होगा, इस प्रोफेशन को आपको समझना होगा, इस प्रोफेशन से आपको सच में मोहब्बत करनी पड़ेगी। अगर आप इससे मोहब्बत करोगे तो आपको मजा आएगा, और अगर आप इसे सिर्फ पढ़ाई समझोगे तो सिर्फ बर्डन होगा, क्योंकि इतना बर्डन आप झेल नहीं सकते, इतना बर्डन आप झेल नहीं सकते जितना कंटेंट, जितना सिलेबस, जितना हार्डवर्क इस फील्ड में है। हर कोई बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाता, और जो सर्वाइव नहीं कर पाता तो वो क्विट कर जाता है। तो मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी, आपको इस प्रोफेशन से प्यार करना होगा, मोहब्बत करनी होगी, इसे जीना होगा, इसे समझना होगा, ना कि इसे बर्डन समझना है। अगर आप घर पे जाके समझोगे बर्डन है, पढ़ना है पढ़ना है, तो आप पढ़ नहीं पाओगे। आपको अपने अंदर इस तरीके की हैबिट्स डेवलप करनी है कि आप इसमें एंजॉय कर सको। क्योंकि जब जिंदगी में दिन में आपको मैं एक एग्जांपल देके बताती हूँ, मान के चलिए आपको बड़ी तेज भूख लगी है, बड़ी तेज भूख लगी है, देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑप्शन, ना बड़ा भाई है, ना बड़ी बहन है, ना छोटा भाई, ना घर में मम्मी, ना पापा, तो आप किसी भी टाइम, चाहे आपको रात के 12 बजे भूख लगी है, आप खुद से जाओगे और बड़े अच्छे तरीके से अपने लिए कुछ ना कुछ प्रिपेयर करोगे।
लेकिन आपको पेट भरा हुआ है तो आपको कोई पानी के लिए भी बोलेगा तो ये बोलेगा तेरे हाथ टूट रहे खुद पी ले। इट मीन्स ये क्या है, ये है कि जब हमें खुद से मन होता है ना, अंदर से मन होता है तो हम उस काम को बहुत अच्छे से करते हैं, जब हमारा मन नहीं होता तो हम उस काम को अच्छे से नहीं करते। आज तक पढ़ाई करी है परसेंटेज के लिए, आज के बाद पढ़ाई करनी है अपनी परसेंटेज के लिए, अपनी प्रेस्टीज के लिए। अभी तक आपने किसके लिए पढ़ाई करी है? पेरेंट्स के लिए, परसेंटेज उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए। अब आपको पढ़ाई करनी है अपनी प्रेस्टीज के लिए, अपनी रेपुटेशन के लिए, समाज में अपनी जगह बनाने के लिए, आपको अपना घर चलाने के लिए। अब हमें किसी को परसेंटेज नहीं दिखानी, अब हमें अपना जीवन यापन करना है। जीवन को जीने के लिए कोई जीवन को चलाने का स्रोत होना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें हमारी मास्लो नीड्स ऑफ हायरे की आपने पढ़ी होगी, उसमें कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको जीने के लिए हमें चाहिए। जैसे इनिशियल स्टेज में जब भी कोई आदमी होता है, इवन आदमी नहीं, दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू ह्यूमन बींग बट ऑल्सो टू एनिमल्स, बर्ड्स। जब हम जीवन जीते हैं, पैदा होते हैं, तो हमें घर चाहिए, कपड़े चाहिए, परिवार चाहिए, और परिवार को घर को हम तभी अच्छा कर सकते हैं जब हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, एजुकेशन करेंगे। तो इसीलिए कई बार आपने देखा होगा एक प्रोफेशनल है, उसने आईआईटी क्लियर किया, आईएम किया, क्वालिफाई कर लिया, उसका बहुत अच्छा पैकेज है, उसके पास बहुत अच्छी सोर्स ऑफ फंडिंग है, फिर भी वो डिमोटिवेट है, क्योंकि पैसा कमाने के बाद पैसे का एंजॉयमेंट परिवार के साथ ही होता है, परिवार होना जरूरी है। तो हम जो मेहनत, अब जो आपको हार्डवर्क करना है वो परिवार के लिए करना है, ना कि अपने लिए। आप अगर किसी कंपनी में एक जॉब भी करो ना 25-30 हजार रुपए की, आपका अब ताउम्र आप जिंदगी जी सकते हो, लेकिन यहां जो मैं मानती हूं, यहां जो पढ़ाई की जा रही है वो अपने परिवार के लिए हम करते हैं, अपने परिवार की वेल रेपुटेशन के लिए हम करते हैं। आज की इतनी महंगाई के जमाने में अगर सिर्फ एक बंदे के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो घर भी सही से नहीं चल पाएगा, बट इफ टू पर्सन आर वर्किंग एंड कदम से कदम मिला के चलते हैं तो जीवन अच्छा चलता है। तो यहां जो पढ़ाई की जा रही है वो किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी लाइफ का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा करने के लिए। देखिए, जीवन तो वो भी काट रहा है जो एक रेल की पटरी पे रहता है, वो भी जी रहा है, उसका भी जीवन चल रहा है, वो भी खा रहा है, पी रहा है, कैसे खा रहा हो। और एक वो भी लाइफ स्टाइल होती है, एक अच्छा घर है, उसमें सब सुख सुविधाएं हैं, प्रॉपर आप खाना खाते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, अमीरों की तरह सुबह जूस पीते हो, आफ्टरनून में ग्रीन टी पीते हो, प्रॉपर जिम में आप जा रहे हो, जिम का सेटअप आपका अलग है, आपने अपना जिम इंस्टॉल कर रखा है, आप प्रॉपर हॉलीडेज पे जा रहे हो, हॉलीडे के जाने के कपड़े अलग है, अमीरों की तरह शॉर्ट्स है, उसके साथ का एकदम कोट सेट है, वो भी एक लाइफ है। और घूमने तो लड़के भी जाते हैं जो 10-10 हजार रुपए की नौकरी करते हैं, एक ही गाड़ी लेके जाते हैं, उसमें कॉन्टी करते हैं, उसी में सोते हैं, उसी में खाते हैं, सस्ते ढाबे ढूंढते हैं, वहां जाके रुकते हैं, वो भी घूम के आ रहे हैं। तो इट मींस मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ पैसे से ही एंजॉयमेंट होता है, लेकिन लाइफ स्टाइल एनहेंस करना पड़ता है, जीवन जीना पड़ता है, अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ता है। एक एग्जाम्पल देके मैं आगे चलूंगी अपनी क्लास में। एक बार क्या आपने सुना भी होगा, महाभारत का किस्सा बहुत पुराना है और आपने सुना जरूर होगा। तो क्या हुआ, जब कौरव और पांडव के बीच में युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, तो पांडव दिल्ली चले गए, जिसे हम इंद्रप्रस्थ के नाम से जानते हैं। तो पांडवों ने यहाँ के ऐलान किया, आपस में डिस्कशन किया कि हम यहाँ पे एक भव्य भवन का निर्माण करेंगे जो बहुत खूबसूरत होगा, जिसमें बड़ी सभाएं होंगी। तो जब ऐसा डिसीजन लिया तो उनके जो बड़े भाई थे युधिष्ठिर, उन्होंने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे, इससे क्या होगा, ईर्ष्या पैदा होगी। तो उसी वक्त वहां पे भगवान श्री कृष्ण थे और भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं, तुम्हें भव्य निर्माण करना पड़ेगा। उसके पीछे कारण क्या है कि जब तुम एक भव्य निर्माण करोगे, एक बड़ा भवन बनाओगे और उसमें बड़ी सभाएं होंगे, तो जो यहां की प्रजा होगी ना, उसका आपके प्रति विश्वास होगा कि आप कुछ हो। दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल टू एवरी लाइफ, इवन मी ऑल्सो, आई ऑल्सो फॉलो द सेम कॉन्सेप्ट। क्या होता है कि कभी भी हम जो काम करते हैं, जब तक हम अपना वेल एस्टेब्लिशमेंट नहीं करेंगे, तब तक दुनिया को कुछ दिखेगा नहीं और दुनिया हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगी। तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि जब हम वेल सेटल होते हैं, एक अच्छा कोर्स क्यों किया जाता है, एक बड़ी पढ़ाई क्यों की जाती है, आप सिंपल बीकॉम भी तो कर सकते हो, क्योंकि जब एक सिंपल बीकॉम करोगे तो पूरी जिंदगी 60 हजार में समअप हो जाओगे, और एक प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद साल के 60 लाख भी कमा सकते हो, और हो सकता है उससे कम मेहनत करनी पड़े, क्योंकि जो बीकॉम प्रोफेशनल है उसे सुबह से शाम तक काम करना है, और कभी कभी उसको डबल शिफ्ट में भी काम करना पड़ेगा। बट इफ यू बिकम कंपनी सेक्रेटरी एंड यू स्टार्ट द राउंड वेंचर और यू आर अपॉइंटिंग इन एनी कंपनी एज ए सीईओ, एज ए सीएफओ, एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर, एज ए सीईओ, तो वहां पे जरूरी नहीं है आप सुबह से शाम तक काम करो। यू मे वर्क फ्रॉम होम एंड यू मे अटेंड मीटिंग इन बॉम्बे एंड इन बैंगलोर इन समवेयर एल्स,
तो देखिए ऐसा नहीं है कि खाली मेहनत करने से ही काम चलता है। अगर खाली मेहनत काम करने से काम चलता तो आज के डेट पे जो दूधिया है वो बहुत अमीर होता, जो अखबार वाले भैया है वो उससे ज्यादा अमीर होते, जो फूल वाले भैया वो उससे भी ज्यादा अमीर होते, जो हमारे घर में मेड काम करने आती है 14-14 घंटे काम करती वो हमसे ज्यादा अमीर होती। तो ऐसा नहीं है कि खाली मेहनत करने से काम चलता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना मेरी, सही समय पे सही तरीके से मेहनत करने से बहुत आगे निकलते हैं। एंड ये सही समय आपका यही है, पता नहीं या तो आपने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, आपके पेरेंट्स ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं कि आप सही रास्ते पर हो और आज इस क्लास में बैठे हो और आपने एक प्रोफेशनल कोर्स को चूज किया है। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो मिसगाइडेड है, जो खाली बीकॉम करके ही अपना काम चलाएंगे तो वो बीकॉम करके सिर्फ नॉर्मल जीवन जी सकते हैं, लेकिन आने वाले कुछ साल जो होंगे आपके लिए बहुत कठिन होंगे, आपको बहुत पेन होगा, आपको बहुत मुश्किल होगी, आपके लिए बड़ा संघर्ष होगा। क्योंकि जब हम कोई बड़ा काम करते हैं और हमारी अप्रोच बड़ी होती है, हमारी सोच बड़ी होती है, तो हमारे सामने बड़े स्ट्रगल्स आते हैं। अगर तुम उन स्ट्रगल्स को झेलने के लिए रेडी हो, आर यू रेडी फॉर दैट, देन ओनली दिस कोर्स सूट फॉर यू, अदरवाइज नोट, यू मे गो फॉर सिंपल बीकॉम। इसमें संघर्ष होगा, पढ़ने के बाद भी फेल होंगे, फेल होने के बाद फिर पढ़ना पड़ेगा। इफ यू हैव पोटेंशियल टू फेस द फेलियर्स, देन दिस कोर्स इज परफेक्ट फॉर यू। देर आर सो मेनी क्रिटिसिज्म अराउंड यू, सो मेनी पर्सन्स आर क्रिटिसाइजेस यू, यू आर नॉट डूइंग हार्ड वर्क, बट स्टिल यू आर डूइंग हार्ड वर्क एंड स्टिल यू फेल, फिर भी आपको पढ़ना होगा। एंड तब तक पढ़ना होगा, तब तक कोर्स पूरा मत समझना जब तक सीएस ना बन जाओ। जो बच्चे होते हैं ना, कि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें बस कोर्स पूरा, भाई साहब कोर्स तब तक पूरा नहीं है जब तक सीएस की डिग्री हाथ में ना जाओ। आपका और हमारा रिलेशनशिप तब तक रहना चाहिए जब तक नाम के साथ सीएस ऐड ना हो जाए, और ये हमारा वादा है कि हम आपको कभी मना नहीं करेंगे। लेकिन आपको कोचिंग से तब तक लगाव होना चाहिए जब तक सीएस ना बन जाओ, क्योंकि ये सिद्धांत है, ये प्रूव हो चुका है, ये प्रिंसिपल है कि जो बच्चे घर पर बैठकर पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, और जो बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आकर पढ़ते हैं, उनमें बहुत डिफरेंस रहता है। इस समय जो टाइम अब हो रहा है, अगर इस समय आप आज घर पे होते तो घर पे बड़ी अच्छी खुशबू आती है, विसल्स आती है, चावल की बड़ी अच्छी खुशबू आती है, दाल चावल चल रहे होते हैं, बढ़िया सा खाना खा रहे होते हैं, उसके बाद आराम से सो रहे होते हैं। आई एम राइट और रॉन्ग? ऑलमोस्ट सबके घरों में इन दिनों यही होता है, लेकिन आज आप 1:10 हो रही है और आप मेरी बात बड़े ही ध्यान से सुन रहे हो, मैं बड़े मजे से आपको पढ़ा रही हूं। ये है एटमोसफेयर। घर के 4 सदस्य, 3 सो रहे हैं, क्या करेगा, वो भी सोचेगा यार सो ही जाता हूं। लेकिन यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब वर्किंग है, चाहे नीचे जाइए वहां भी क्लास चल रही है, ऊपर आ रहे हैं वहां भी क्लास चल रही है, रिसेप्शन पे भी लोग काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, तो आपका मन है काम करने का। कभी कभी कोई कोई बच्चा क्लास में सोने की कोशिश करते हैं तो मैं उसे जगा देती हूँ, सोते सोते भूख लगी, खा ले बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं, तो वो बच्चा बेचारा जग जाता है और वो बड़ा, मैं उससे बोलती हूँ सो रहा ना 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 ना, वो मतलब शर्मा जाता है। लेकिन घर पे सीधा रूम में जाते हैं, गेट बंद करते हैं, साथ में फोन रहता है, फोन साइड में रखते हैं, फोन चलाते हैं थोड़ी देर, फोन चलेगा, 1:30 बजे सोने जाएंगे, 2:30 बजे सोएंगे, 5 बजे उठेंगे, पूरा दिन सत्यानाश कर लिया, पूरी रात भी सत्यानाश हो गई। क्योंकि जो बच्चा 5 बजे जगेगा ना, वो रात को 1 बजे तक जागेगा, फिर फोन चलाएगा, दिन भी खराब और रात भी खराब, ना दिन में सोने का पता ना सुबह उठने का पता। अब बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं, जो पता कैसे होते हैं कि मुझे सुबह मत जगाना, कह के सोएंगे मुझे सुबह मत जगाना, कि क्यों, कि मैंने रात भर पढ़ाई करी है। अब पढ़ने पता कभी स्टार्ट किया उसने, रात के 10:30 बजे या 11 बजे, और वो किस टाइम तक पढ़ा, 3 बजे तक, उल्लू है क्या, पूरी रात जाग रहा है, 3 बजे तक पढ़ा। अब सुनो इफेक्टिव देखना वर्किंग, 3 बजे तक पढ़ा, 3 बजे सो गया, 3 बजे सोने के बाद वो सुबह 11 बजे उठा या 10 बजे उठा, कितने घंटे सोया, 7 घंटे, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 और 1 4 घंटे पढ़ा, रात पूरी खराब कर दी, बाल पूरे उड़ा दिए, क्योंकि जो बच्चे रात को जगते उनके बाल बचने नहीं है, स्पेशली लड़के तो गंजे होने ही होने, ये बात तय है। 10 बजे के बाद, 10:30 बजे के बाद, 11 बजे के बाद, नेचर का भी कुछ रूल होता है, बॉडी रेस्ट में जाती है, आप उसे जगा रहे हो तो उसका इंपैक्ट आएगा, प्रॉब्लम आएंगी। सुबह सवेरे जगे नहीं, 10 बजे जगे, आधा दिन खराब हो गया, आधा दिन भी खराब, पूरी रात खराब, आधा दिन खराब, पढ़े कितने, 4 घंटे। इट्स बेटर आप 5 बजे जगते, आप 9 बजे तक पढ़ते, 4 घंटे उसका आउटपुट इतना होता है जितना रात को 4 घंटे का नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को सुधारना पड़ेगा, और स्पेशली जो बच्चे पीजी में रहते हैं उन्हें अपने आप ऊपर बहुत काम करना है। जो बच्चे पीजी में रहते हैं ना, उनका शेड्यूल इतना बकवास, इतना खराब हो जाता है कि वो किसी लायक नहीं बचते।
ये मेरी बात ध्यान रखना जो अभी अभी पीजी में शिफ्ट हुए, अगर पीजी का माहौल वहां पे क्या होता है, ना कोई पेरेंट्स है, घर में पेरेंट्स होते हैं 10 बजे लाइट बंद करो चलो सो कहते हैं ना, पीजी में कोई पेरेंट्स नहीं होता, लड़कियां हैं यार आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है 10:30 बजे चलती है क्या, वहां पे चलते रेड लाइट आइसक्रीम खाएंगे 10:30 बजे, चांटी मारने वाला कोई है ही नहीं, कहने वाला कोई है ही नहीं, 11 बजे खाने का मन कर रहा है, कभी कभी ऐसा भी होगा यार आज 12 बजे इंडिया गेट पे जाके आइसक्रीम खाएंगे, वहां बिल्कुल बर्फ वाली आइसक्रीम मिलती है जो इंडिया गेट फिर चला जाएगा 3 साल बाद कहीं, चल यार आज पीजी में पीजी यार आज मन नहीं कर रहा क्लास का, आज सरोजनी नगर चलेंगे ड्रेसेस बहुत अच्छी मिलती है वहां पे, सरोजनी नगर विजिट करते हैं, सरोजनी नगर, गांधी नगर, लक्ष्मी नगर, क्रांत प्लेस, पालिका बाजार, जनपद, कुछ नहीं छोड़ेंगे भाई, दिल्ली में नए शिफ्ट हुए हैं सब घूमेंगे, कुछ नहीं रह जाना चाहिए, सब कुछ वहां बार्गेनिंग सीखेंगे, 300 का टफ है, 300 का 200 का देना है क्या है, यही करोगे तुम इतना बड़ा कोर्स करके, यही करोगे क्या भाई, सब तुम वो क्लास हो जो शोरूम में जाने के बाद तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा पैसे कितने देने हैं, सिर्फ सामान लेना है पेमेंट करना है दैट्स इट, ये वाली क्लास के बच्चे हो तुम, जनपद पे घूम रहे हो 200-200 रुपए की टी शर्ट खरीदते हुए, व्हाट इज दिस, कौन देख रहा है तुम्हारा स्टाइल, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देखेगा तुम्हारा स्टाइल, कोई नहीं देखेगा तुम्हारा स्टाइल, अभी कोई नहीं देखने वाला, और जब स्टाइल का वक्त आएगा तो तुमसे ज्यादा स्टाइलिश कोई होगा ही नहीं, जब तुम्हारा वक्त आएगा तुम इतने स्टाइलिश होंगे कि कोई होगा ही नहीं, और अगर तुमने अभी टाइम वेस्ट करा तो तुमसे बुरा कोई नहीं दिखेगा, अभी तुम वर्कआउट मत करो, एक्सरसाइज मत करो, जॉगिंग मत करो, कुछ मत करो, तुम पतले दुबले रहोगे 28 साल तक 26 साल तक, एक बार तुम्हारी शादी हो जाने दो, उसके बाद जो शरीर बढ़ता है दिन और रात बढ़ता है वो, उस समय जरूरत है मेहनत की, वर्कआउट की, लेकिन टाइम ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपने अपने आप को सेटल ही नहीं किया, अब तो आप घर के कामों में ही व्यस्त हो जाओगे, पैसा ही नहीं है, करना पड़ेगा, जॉब करनी पड़ेगी, फैल जाओगे, फैल जाओगे, वो टाइम था, और अगर आपने अभी मेहनत करी, अभी हार्डवर्क किया, सीएस क्वालिफाई किया, वार्डरोब इतनी होगी ही नहीं पता होगा कपड़े कितने हैं, एक दिन में 1 लाख के कपड़े खरीद सकते हो, ऐसी कैपेसिटी का कोर्स कर रहे हो आप ऐसा भी कर सकते हो 4 महीने तक कपड़े रिपीट ही ना हो, इतनी ड्रेसेस है कि रिपीट ही नहीं हो पा रहा, इतने पैसे होंगे कि शॉपिंग करने जाओगे थक जाओगे, मन बढ़ जाएगा, ये सब है मेरे पास यार, ये भी होगा, लेकिन ये कब होगा, ये इंडिया गेट कोई नहीं ले जा रहा है यहां से, यही रहेगा, ये आइसक्रीम वाले भी बेचेंगे, ऐसी बात नहीं, देश इतना अमीर नहीं हो जाएगा कि आइसक्रीम वाले खत्म हो जाए, ये V3 स्मॉल भी यही रहेगा, ये रेड लाइट भी यही रहेगी, सब कुछ यही रहेगा, बस चीजें चेंज क्या होंगी, अभी तुम 1 तारीख पे पैसे मांगोगे खत्म हो जाएंगे, जितने पैसे डिमांड करोगे, जितने भी पैसों की डिमांड करोगे वो 25 तारीख में खत्म, अगले 5 दिन फ्रस्ट्रेशन के जाएंगे, पापा को कॉल करेंगे, पापा पता फोन भी कैसे करते बच्चे, पापा पापा बोलना बात क्या है, काम क्या है, पापा पैसे चाहिए थे, म्याऊं म्याऊं करके पैसे मांगते हैं, अभी सिर्फ इतना काम करो, सिर्फ और सिर्फ इतना काम, पैसे आ गए, प्लीज मैं आपको सबको समझा रही हूं, अगर तुम ज्यादा इधर उधर जाओगे तो डाइवर्ट हो जाओगे, मेरी बात ध्यान रखो, सिर्फ पैसे लो, अच्छा खाना खाओ, अच्छी जगह खाना खाओ, खाना खराब मत खाओ, 5 जोड़ी कपड़े रखो, ज्यादा स्ट्रेस मत लो, बस इतने कि वो साफ हो, देखने में ठीक हो, दैट्स इट, ज्यादा कपड़ों का कलेक्शन भी मत रखो, स्ट्रेस होता है यार, स्ट्रेस होता है, किसको दिखाना है, कौन तुम पे कौन विश्वास कर रहा है, आज तुम्हारे नाम के आगे से सर नहीं मटा दो, 1 रुपया नहीं 54 नहीं देगा तुम्हें कोई, कुछ है ही नहीं तुम, तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है, है कुछ वैल्यू तुम्हारी, आज तुम्हारे पापा मम्मी का सर नहीं मटा देती हूँ, और तुम किसी पड़ोसी से 5 रुपए मांग के दिखा दो जो तुम्हें कोई दे सकता है, नहीं दे सकता, तो जब कुछ अभी वर्थ ही नहीं है तो इट्स बेटर टू क्रिएट योर वर्थ ना, यस और नो, आई एम राइट और रॉन्ग, यू आर सो एनर्जेटिक राइट नाउ, क्रिएट योर वर्थ योर सेल्फ, ओनली 3 years आर देयर, 3 साल तो हमें आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तुम बार बार फिसलोगे, ऐसा बोला जाता है ये जो उम्र होती है ना, इस उम्र में पढ़ाई करना बड़ा मुश्किल काम है, और यही एक उम्र है पढ़ने की, शादी होने के बाद पढ़ नहीं सकते, बच्चे हो जाते हैं, सेटलमेंट हो जाता है, यही उम्र सबसे अच्छी है पढ़ने की, और इस उम्र में इतना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होता है, अगर नीचे चले जाओ तो हर चीज खाने का मन करता है, पैसे जेब में हो या ना हो, आइसक्रीम देखेंगे उसको भी, चाउमीन देखेंगे उसे भी, मोमोज देखेंगे तो जीभ ही टपक जाएगी, हर चीज खाने का मन करता है, एक तो ये प्रॉब्लम, कोई भी सुंदर सा लड़की मेट्रो में जा रही है, लड़का उसे ही देखे जा रहा है, उतरना राजीव चौक है, पहुंच गया आगे, काश ये मेरे वाला होता,
कोई गलती से फोन पे मैसेज एचआई लिख के आ गया, बस उसी के बारे में सोच रहे कौन हो सकता है, ये कौन हो सकता है, ये कौन हो सकती है, ये कौन हो सकती है, बस यही सोच रहे हो यार, कुछ मत सोचो, बस अपने आप को संभाल लो, ये 3 साल संभाल लो, आगे मोजी मोजे। मैं ये नहीं कह रही आपकी शादी नहीं होनी, आप प्यार नहीं कर सकते, आप मोहब्बत नहीं कर सकते, आपको इश्क नहीं हो सकता, सारी चीजें होती हैं भाई, सब सारी चीजें होती हैं, लेकिन एक तरीका होता है। आज आप अपने घर जाओ और पापा से बोलो, पापा पापा जिससे मेरी शादी होगी मैंने वो लड़का ढूंढ लिया है, इतना लंबा डंडा लेके आएंगे तुम्हारे लिए, आएंगे कि नहीं आएंगे। आज से 5 साल बाद तुम सीएस क्वालिफाई कर लो, किसी कंपनी में अच्छा पैकेज ले रहे हो, घर पे जाना, प्यार से बात करना, पापा शादी तो आपको मेरी करनी है, पहली बात तो इतने गट्स होने चाहिए, पापा से तो कहोगे नहीं, मम्मी के थ्रू जाओगे, मम्मी से बताओगे, मम्मी जाएंगी, उसके बाद अगर बोलोगे तो 1% शायद आपकी बात बन सके, शायद बन सके। और सिर्फ शाहरुख खान काजोल मत बनो, पैसा भी जरूरी होता है, सबसे ज्यादा लड़ाई पैसे की वजह से होती है, प्यार एक लिमिट तक अच्छा लगता है, अनलिमिटेड तो शुगर भी, आपको पता है शुगर भी दिक्कत करती है, तो पियो तो प्यार है, तो वो तकरार हो जाती है फिर, सब चीजें होती है। मैं ये नहीं कह रही क्रश होता है, लव होता है, प्यार होती है, मोहब्बत होती है, इंसान हो भाई सब कुछ होगा, सब कुछ करो, लेकिन बस मैं ये कहना चाहती हूँ पढ़ो जरूर, ऐसी कोई भी चीज अगर आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब कर रही है तो उसे थोड़ा सा दूरी बनाओ। और वैसे जिस प्रोफेशन में आप, ऑलमोस्ट आप प्रोफेशनल्स में ही जाते हो, सेम प्रोफेशन में ही रहते हैं बच्चे, तो ये मैं ये नहीं कह रही, किसी हो सकता है किसी को अभी से ही कोई पसंद हो तो वो कैरी ऑन कर ले, लेकिन कैरी ऑन करेगा कैसे, एक एग्जीक्यूटिव में होता है तो दूसरा फाइनल में होता है, जब तक जैसे तैसे दूसरा जुगाड़ करके फाइनल में पहुंचता है वो क्वालिफाई हो जाता है, वो क्वालिफाई होता है वो वेल सेटल हो जाता है, तो वैसी मिसमैचिंग हो जाती है, और बेचारे लड़कों की तो और कहानी खराब हो जाती है, उनकी तो पूछो ही मत, वो तो सिर्फ नोट्स लाने में, बुक्स लाने में, उसका फोन रिचार्ज करने में, वो तो उसी जिम्मेदारी में रह जाता है ना। लड़कियां बड़ी स्मार्ट होती है, पढ़ के निकल जाती है, उनको पहले अपनी पढ़ाई करनी है, उसके बाद फोन अगर आ भी रहा होगा तो साइलेंट कर देंगे, फोन आ रहा है बाद में देखूं कहां जा रहा है ये, करेगा दोबारा करेगा तब ना काम पूरा करेंगी। तो लड़कों के लिए स्पेशली डायरेक्शन है कि प्यार करो लेकिन संभल के, थोड़ा सेल्फिश होना भी जरूरी है, लड़की ऑलरेडी होती है, ठीक है। तो इसीलिए, और अगर कोई आपके लिए है तो वो आपको मिलेगा जरूर, आपके लिए बना है, आप सब चीजें होंगी। देखो जिंदगी में फ्लेवर जरूरी होता है, लेकिन खाली फ्लेवर से काम नहीं चलता। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, जिस टाइम पढ़ रहे हो उस टाइम पढ़ो, पढ़ना है तो पढ़ना है, ऐसी कोई भी चीज जो आपकी पढ़ाई को डिस्ट्रैक्ट कर रही है वो छोड़नी पड़ेगी। समझ में आई मेरी बात? क्योंकि देखो बच्चों, मुझे 14 साल हो गए इस जगह जहां मैं पढ़ा रही हूँ, 14 ईयर्स से, 21 साल की उम्र से मैंने पढ़ाना शुरू किया था, जब बच्चे ये भी नहीं पहचानते थे कि मैं टीचर हूं, और मैं लगती भी नहीं थी कि मैं टीचर हूं। इस एज में तो लोग सोचते हैं कि हमें कुछ करना है, मैं 10 साल में अपने रिटायरमेंट भी ले लूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए सबसे मेन चीज है कि हमें चीजों को संभालना है, चीजें मिली लेकिन उसे संभालना जरूरी है। पेरेंट्स ने अलाउड, पहले देखो पेरेंट्स अपनी मम्मी से पूछ के देखना वो पढ़ने के लिए कितना मन था उनका, लेकिन कई बार उन्हें अदर सिटी नहीं भेजा, रेस्ट्रिक्शन थी, वो मन कर रहा था उनका पढ़ने का पर वो जा नहीं पाए। आप इतने भाग्यशाली हो कि आपको पढ़ने का मौका मिला, तो प्लीज मैं आपसे यही कहना चाहती हूं, अगर आपको चीजें मिली है तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा, और मेहनत हमेशा करनी होती है। मेरे साथ के जितने लोग जॉब करते हैं, अब कई बार क्या होता है कि कंपैरिजन होता है, देखिए 14 साल में कितना डिफरेंस आ जाता है। मेरे साथ के जो बच्चे थे उनमें से कुछ सीएस क्वालिफाई हुए, कुछ नहीं भी हुए, कुछ नॉर्मल काम कर रहे हैं, कुछ अच्छी जॉब कर रहे हैं, लेकिन आज के डेट में अगर मैं अपना स्ट्रगल बताऊं तो अभी मैंने बैच आपके सामने ही खत्म किया था, और जिस दिन से बैच खत्म किया ना उस दिन से डेली मेरा रिविजन सेशन होता है 6 घंटे का 7 घंटे का, इसके अलावा मेरा स्टडी टाइम होता है जो मैं बीच में आपकी क्लास नहीं ले रही थी, अभी वो मेरा कल ही खत्म हुआ है, और आज मेरा फ्रेश बैच स्टार्ट हो गया नीचे एग्जीक्यूटिव का, आज पहली क्लास थी एग्जीक्यूटिव की, और आपको मैं पढ़ाने आ गई। मेरे साथ के कितने ऐसे लोग हैं जो घूमने जा रहे हैं लेकिन मुझे एक दिन नहीं मिला, एक मौका नहीं मिला, एक घंटा नहीं मिला, तो हर किसी का स्ट्रगल ऐसा होता है। मैंने भी सोच लिया, मैंने सोचा बेटा प्रीति छोड़ तो टेंशन न ले, जब रिटायरमेंट लेगी तो पूरे हफ्ते घुमा करेंगे, पूरे महीने घुमा करेंगे, इतने पैसे कमा लेंगे, इतना सेटल हो जाएंगे कि पूरे हफ्ते भी अगर हम घूमने जाए तो कोई स्ट्रेस ना हो। आर यू गॉट द पॉइंट? तो हमें ये मेहनत करनी पड़ती है, एक समय पे कर लो, बार बार कर लो। तो बच्चों बिल्कुल ध्यान से सुनना, मेरा आपके साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी था, चीजें समझाना जरूरी था, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आते हैं, और छोटे छोटे बच्चे जब यहाँ आते हैं तो कई बार क्या हो जाता है, वो बहक जाते हैं, तो आप बहकोगे और समय समय पर मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं,